हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ देखा है, राइट? प्लेस वैल्यू वगैरह के बारे में तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज हम लोग जो है दो तरह के वैल्यू के बारे में सीखेंगे, पता है कौन कौन सा? एक तो हो गया प्लेस वैल्यू और दूसरा हो गया फेस वैल्यू। अब भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो भाई मान लो बहुत कोशिश करके हम लोग समझ रहे थे, राइट? अभी फेस वैल्यू क्या आ गया बीच में? देखो, फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फेस वैल्यू क्या हो गया? बेसिकली किसी भी प्लेस पर जो डिजिट है, उस डिजिट की जो वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ये 7 यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, शक्ल क्या है, लिखा क्या है, इधर 7 ही लिखा है ना, तो ये हो गई इसकी फेस वैल्यू। ये 7 अगर उठ के इसकी जगह पर ये भी आ जाएगा ना, तो भी इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? 7 ही रहेगी। जैसे देखो 2 है ना, टेंस के प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो गई? 20। लेकिन फेस वैल्यू क्या रह जाएगी? 2 की 2 ही रह जाएगी, वो नहीं बदलने वाली है, ठीक है? वैसे ही 8 100 के प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। लेकिन फेस वैल्यू इसकी जो है वो रहेगी 8, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओके, सेम गोज विथ 3, 1000 के प्लेस पर है तो प्लेस वैल्यू हो गई 3000, लेकिन फेस वैल्यू क्या रहा 3 का? 3 का 3 ही रह गया ये। अब आगे बढ़ के देखो इधर, अब फेस वैल्यू हमको दिया हुआ है ऑलरेडी जगह पे, प्लेस वैल्यू। अब जैसे 7 है यहाँ पर, 7 जैसे है ना, 3827, 3827, तो यहाँ पर 7 की प्लेस फेस वैल्यू 7, 2 की फेस वैल्यू 2, 8 की फेस वैल्यू 8 और 3 की फेस वैल्यू 3। फेस वैल्यू नहीं बदलती, जो डिजिट लिखा हुआ है वही इसका फेस वैल्यू हो गया, लेकिन प्लेस वैल्यू तो बदलती रहती है। हमने देखा ना कि वंस के प्लेस पर जो होगा उसमें हम जो है 1 मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, तो 7 × 1 7 हो गया। टेंस के प्लेस पर जो डिजिट हुआ उसके फेस वैल्यू में आप जो है 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 10 = 20 हो जाएगा ना आपका प्लेस वैल्यू, राइट? 100 की जगह पर 8 है तो फेस वैल्यू 8 है, इसको आप प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 800, 3000, बिल्कुल आसान था। तो आप जो है आप ये वाला काम पूरा कर लीजिएगा, इट्स प्रेटी इजी, सो आई एक्सपेक्ट यू टू फिनिश इट इजीली। ओके, आप लोग जो है इसको आराम से पूरा कर लीजिएगा क्वेश्चन ए को। बी की जहां तक बात है, इसमें आपको क्या करना है कि जो कलर डिजिट्स हैं उनका आपको जो है प्लेस और फेस वैल्यू बताना है। तो जैसे मान लो कि यहां पर 4234 है, राइट? तो 2 कलर डिजिट है ना, तो इस कलर डिजिट का हमको जो है प्लेस वैल्यू बताना है और फेस वैल्यू। तो किस प्लेस पर है देखो, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो क्या हो गया इसका प्लेस वैल्यू? 200, राइट? 200 हो गई ना इसकी प्लेस वैल्यू, जो है वो क्या हो गई? 200। लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? तो भाई 2 कहीं पे भी रहेगा, इसका इसका नाम जो है वो तो 2 ही रह जाएगा ना, दैट इज योर फेस वैल्यू। इस तरीके से आप बाकी सब का भी कर सकते हैं, इट्स प्रेटी सिंपल एक्चुअली। सो वेल, दैट इज योर यू नो लाइक बेसिक होमवर्क। आज का आपको जो है पेज नंबर 16 पूरा करना है। ओके, बाय बाय।